सब उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज ना लाहौर में बहुत मजे का वेदर हो रहा था, बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि वाकई पता लग रहा था कि यार सर्दियां आने वाली। मेरी बहन का ना बहुत जोर शोर से दिल कर रहा था कि वो पकोड़े खाए, ऐसे अच्छे मौसम में पकोड़े खाना तो वैसे बनता भी है। तो फिर वो किचन में चलेगी पकोड़े बनाने, फिर मेरी खोर बहन भी किचन में चलेगी उसकी हेल्प करने और मैं भी किचन में चलेगी कैमरा लेके इनकी वीडियो बनाने, मुझे व्लॉग भी तो शूट करना। यहाँ पर ना बन रही थी इमली की चटनी और दूसरे हाथ हमारे आलू भी कट चुके थे। तो नॉर्मली जो हम घर में पकोड़े बनाते हैं ना उसमें इस तरह के आलू काटते हैं और इसी तरह से पकोड़े बनाते हैं। आप लोग इस तरह से पकोड़े बनाते हैं अपने घरों में मुझे बताइएगा। और यहाँ पर मेरी बहन इस बात का सबूत दे रही है कि वो आखिर पहली बार किचन में आई और उसने अपनी उंगली काट ली थी, हर खून वगैरह कुछ निकला नहीं था बस ऐसे ही। तो चले अब हम वापस अपने पकोड़ों की तरफ आते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन ले लें जितने आप लोगों ने पकोड़े बनाने हैं, फिर अपने मुताबिक मसाले डाल लें, नमक मिर्च हल्दी, हमने तो बहुत बेसिक से मसाले डाले थे, बाद में थोड़ी सी कलौंजी डाल दी थी ठीक है, और आप लोग इसके अंदर ग्रीन चिली जरूर डालिएगा। और यहाँ पे पानी भी निकल गया था, अब इसको हमने चूल्हे पे नमक मिर्च डाल के थोड़ा सा पकाना है। और यहाँ पे आलू भी कट चुके थे पकोड़े बनाने के लिए और यहाँ पे हमारा बैटर भी तैयार हो गया था, बेसन वगैरह वहाँ पे ग्रीन चिलीज पड़ी हैं और ग्रीन चिलीज डाल लेंगे, धनिया डालेंगे और फिर बस इनको हमने मिक्स करके फ्राई कर देना है। और हमारा यहाँ पे इमली चटनी थी, इमली की चटनी ना बहुत ही ज्यादा लजीज होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, बस आप लोगों ने पैन के अंदर इसका पल्प डालना है, नमक चीनी अपने मुताबिक डालिए, इसको पकाएं और ये तैयार हो जाएगी। तो आप में से किस किस लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी बिरयानी की रेसिपी मेरी जुबानी, अगर आप में से किसी ने वो रेसिपी नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए, वो बहुत आसान बहुत अच्छी रेसिपी है। हाँ वो तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। हाँ मैं जानती हूँ आप लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तभी उस पर ऑलमोस्ट 300 व्यूज हो चुके हैं और ये व्यूज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बिकॉज एक ग्रोइंग चैनल में इतने व्यूज आना काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारे ब्रेड पकोड़ा भी तैयार थे, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। पकोड़े भी हमारे गर्मा गर्म तैयार हैं, चटनियाँ भी तैयार हैं, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी और सबसे ज़्यादा दिल अजीज चीज़ मेरी चाय जो कि अदरक और इलायची के साथ बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और बस यहाँ पे इंजॉय हो रहा था और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।